कोई भी वस्तु को ताकत देना हो, प्रवाह। मूव करने की, गतिमान बन, एनर्जी, फोर्स। यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी और यू कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी वन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर कर सकते सकते, हैं, ट्रांसफॉर्म उसको कर सकते। आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, बराबर है। तो एनर्जी में डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन ग्रेविटेशनल एनर्जी, और कौन सी है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज है। तो उसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कैसे वर्क करती है, इट्स एन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन। जी 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 राइट, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है, फ्लो कहाँ से, फ्लो फ्लो फ्रॉम कंडक्टिव मटेरियल, बरबर है। तो जो मटेरियल से फ्लो हो सकता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिव मटेरियल, मटेरियल से फ्लो नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिव मटेरियल, नॉन कंडक्टिव, मतलब फ्लो नहीं होता है। कौन से कंडक्टिव मटेरियल है, कॉपर है, आयरन एल्युमिनियम है, है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम एल्युमिनियम, है, सिल्वर है, गोल्ड है और मेटल, ऑल मेटल्स आर द कंडक्टिव मेटल्स। मटेरियल, ठीक है। और क्या है, वाटर है सर, वाटर है, लिक्विड, लिक्विड वाटर है कंडक्टिव, साल्ट वाटर या फिर प्योर वाटर, सर, बोथ आर। दोनों भी हैं, तो नहीं है सर, ठीक है, वाटर है, और कौन क्या है कंडक्टिव मटेरियल, मैग्नेट, मैग्नेट और अभी कुछ सुना होगा आपने, वायरलेस चार्जर आते हैं ये राइट सर, वहां पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ब्लूटूथ, ठीक है, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी बेस लेवल पे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बेस पे अंडरस्टैंड कर, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिव मटेरियल से वो फ्लो होता है, जितना रेजिस्टेंस उसको क्रिएट होता है, मतलब जो इनपुट है, इनपुट अगर आपने जितना दिया है एंड आउटपुट कम आता है, मतलब बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, जितना रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, एफिशिएंसी यानी क्या, लो इफेक्टेड, एफिशिएंसी मतलब क्या, उसकी फ्लो करने की वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, उसका वर्किंग, 100 वॉट का इनपुट आपने डाला और अगर 100 वॉट का आउटपुट आपको मिला, डाटा इन डाटा आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, एनर्जी इन एनर्जी आउट, उसमें हमेशा लॉसेस होते हैं, आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, इनपुट उसमें जो लॉसेस होते हैं, इधर फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, रेजिस्टेंस लॉसेस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, उतने परसेंटेज लॉस, मतलब उतना परसेंट एफिशिएंसी कम होगा, बराबर है। बच्चे को आपने 100 रुपए दिए और शॉप से मटेरियल लाने को बोल दिया, लेकिन उसे आदत है, हर बार जाएगा तो 5 रुपए के चॉकलेट लेके आएगा, तो आपके हिसाब से एफिशिएंसी कितनी हो गई, 95%, बराबर है, 5 रुपए उसने सेल्फ मेंटेनेंस के लिए ले लिए। उसी तरीके से मटेरियल भी हीट जनरेट होती है, या फिर मटेरियल भी सेल्फ मेंटेनेंस के लिए एफिशिएंसी, मतलब रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट होता है, हायर रेजिस्टेंस जो मटेरियल है, जैसे कौन सा मटेरियल ज्यादा हायर ये है, कंडक्टिव है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम है, उससे ज्यादा कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, निकेल है, उससे ज्यादा सिल्वर है, उससे ज्यादा गोल्ड है,
लेकिन सिल्वर गोल्ड प्राइस की वजह से जनरल एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं ज्यादातर कम से रेगुलर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में कॉपर एंड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कॉपर एंड एल्यूमिनियम ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर है। अभी हर जगह कॉपर यूज करते हैं क्या? बहुत सारी जगह पे जहाँ पे पब्लिक एक्सेस है, जहाँ पे पब्लिक एक्सेस है एंड लार्ज स्केल पे यूज करना है वहां पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं। जहाँ पे ज्यादा इफिशियंसी चाहिए एंड कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन है वहां पे कॉपर यूज करते हैं। राइट सर। अगर कॉपर के वायर्स लगाएंगे आपके घर के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है वहां पे एल्यूमिनियम की जगह कॉपर के वायर्स रहेंगे तो कितने दिन लगे रहेंगे? एक आध दिन, दूसरे दिन चोरी हो जाएंगे ना क्योंकि कॉपर का वायर चोरी करते बहुत पैसा मिलेगा, चोर लेके जाएंगे नहीं उतना नहीं मिलेगा तो वो चोरी करना नहीं पड़ता। जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं तो ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं ना? हाँ ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं। कॉपर के बड़े प्लेट्स होते हैं और वो कॉपर का अगर रिकवर किया तो उसका अच्छा पैसा मिलता है। मेरा भी चोरी हो गया है इसलिए उसकी चोरी भी होती है, तो इसीलिए पब्लिक एक्सेस में है तो वहां पे ज्यादातर कॉपर यूज नहीं करते हैं, वहां पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं पहले, तो रेजिस्टेंस कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव समझ में आया? राइट। इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ में आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा पानी बहता है वैसा कंडक्टिव मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहता है। यस ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी किस में काउंट होती है? यूनिट्स, यूनिट्स में, जैसे आप मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया तो यूनिट, यूनिट मतलब क्या? एनर्जी कंजप्शन के लिए जो मेजरमेंट है। जनरली हमें पता है कि इतना यूनिट हमने कंज्यूम किया इनटू 12 रुपए का रेट है, 10 रुपए का रेट है, इतना पैसा हमें पे करना है। महाराष्ट्र में है तो एमएसएबी को करना है, बाकी स्टेट में है तो जो जो वहां के सप्लायर है उनको पे करना है। बराबर है। यूनिट मतलब 1 किलोवाट एनर्जी, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट एनर्जी। अभी वाट कैसे निकलता है? वाट निकलता है वोल्टेज इनटू करंट करेंगे, वोल्टेज इनटू एम्पियर करेंगे तो आपको वाट मिल जाएगा। वोल्टेज इनटू एम्पियर करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी वोल्टेज मतलब क्या एंड एम्पियर मतलब, करंट मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है गार्डन में, कभी किसी ने पाइप से पानी दिया है? right. हम लोग कौन सा पाइप यूज करते हैं? प्लास्टिक पाइप यूज करते हैं। अभी प्लास्टिक पाइप को जब हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पाइप को, उस पाइप से अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया, प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा दिया तो कौन सा पार्ट रिलेटेड आएगा, कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है? पाइप फट सकता है। यस yes. बराबर है। तो जो प्रेशर है वैसे इलेक्ट्रिसिटी में प्रेशर मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज मींस इट्स अ प्रेशर। जितना वोल्टेज ज्यादा रहेगा उसका जो इंसुलेशन है, कोटिंग है, वो आपको स्ट्रांग लगेगा। जो इंसुलेशन है, कोटिंग है, वो आपको स्ट्रांग लगेगा। एंड करंट मतलब वो वॉल्यूम है, जितना ज्यादा करंट आपको पास करना है उसका डायमीटर आपको बढ़ाना होगा, वायर का थिकनेस आपको बढ़ाना। जितना ज्यादा वायर, थिक वायर, उतना ज्यादा करंट पास हो सकता है एंड जितना स्ट्रांग पाइप उतना ज्यादा प्रेशर वो झेल सकता है। क्लियर। वोल्टेज मतलब प्रेशर एंड करंट मतलब वॉल्यूम डायमीटर एंड वोल्टेज इंटू एम्पियर। करंट को किसमें कैलकुलेट करते हैं? एम्पियर। वोल्टेज को वोल्ट में। बराबर है। अभी वोल्टेज को जैसे ग्राम को मिलीग्राम में करते हैं, वोल्टेज को भी मिली वोल्ट में भी कर सकते हैं या मेगा वोल्ट में भी कर सकते हैं। करंट को भी आप एम्पियर में कैलकुलेट या मिली एम्पियर होता है? मिली एम्पियर होता है क्या? ठीक है, मिली एम्पेयर्स में भी कैलकुलेट उसको कर सकते हैं।
पॉइंट्स में 0.00 या 0.1, ठीक है। करंट मतलब क्या समझ में आया, वोल्टेज मतलब क्या समझ में आया, वोल्टेज इज द प्रेशर, जस्ट लाइक द प्रेशर, प्रेशर एंड करंट मींस उसका डायमीटर, वो पाइप का जो डायमीटर है, कितना वॉल्यूम वाटर का जा सकता है, मतलब इतना करंट, जितना आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो पाइप का आप डायमीटर बढ़ाओगे तो ज्यादा वॉल्यूम जा सकता है। उसी तरीके से अभी घर में जो वाइंडिंग वायर्स लगे हुए हैं, मतलब वोल्टेज इनटू करंट आपने किया तो क्या मिलेगा, वॉट मिलेगा, बराबर है। यहां तक समझ में आया। अभी जो वॉल्यूम आपको, अगर वही थिकनेस का पाइप है और उसमें से ज्यादा वॉल्यूम लेके जाना है, पानी ज्यादा पास करना है, तो आप क्या बढ़ाओगे, थिकनेस बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम थिकनेस के वायर से वो जा सकता है, ज्यादा वॉल्यूम, और जितना वोल्टेज कम उतना वायर का साइज बढ़ते जाएगा। क्लियर सर? जैसे कि आपने बताया सर, एक यूनिट का मतलब एक किलोवाट होता है, और एक किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, और वाट का मतलब एम्पियर इनटू वोल्टेज होता है। तो सर क्या उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 220 वोल्ट जैसे हमारे घर में सप्लाई आ रहा है और कोई इक्विपमेंट हमारा 5 एम्पियर ले रहा है, देन 220 इनटू 5 ये 1050 हो गया, right. अगर ये 1 आवर चलेगा तो ये 1 यूनिट पे चार्ज करेगा। ठीक है, आ रहा ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लेते, ठीक है। मतलब जहां पे आपको थिकनेस कम है और ज्यादा वॉल्यूम पास करना है तो प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा तो कब पतला वायर यूज करेंगे तो भी चलेगा, वोल्टेज कम होगा तो वायर का थिकनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। जो आउटपुट है, जैसे लीटर्स में हम वाटर कैलकुलेट करते हैं, वैसा ये वॉट्स में कैलकुलेट करते, किलो वॉट्स में करते हैं, मिलीलीटर से लीटर से, वैसा ये वॉट्स एंड किलोवाट्स है, ग्राम एंड किलोग्राम है, वैसा ये वॉट्स एंड किलोवाट्स है, ठीक है। तो अभी जो वॉल्यूम है, मतलब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, अभी क्या इक्वेशन है हमारा, वॉट कैसे निकलता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्टेज इंटू एम्पियर करेंगे तो आपको वॉट मिल जाएगा। अभी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम लोग, कितने वोल्ट की है, 220 या 230, ठीक है, 220 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी घर में जो पॉइंट्स लगे हुए हैं तो वो कितने एम्पियर के होते हैं, एक 5 एम्पियर का पॉइंट, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर का पॉइंट होता है, बराबर है। अभी 5 एम्पियर का पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप विड्रॉ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, 5 एम्पियर का पॉइंट कितने लोड तक के लिए सस्टेनेबल या सुटेबल होता है, तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 220 वोल्ट इनटू 5 एम्पियर, मैक्सिमम 1100 वॉट का एप्लीकेशन हम उस पे लगा सकते हैं, ओके, बराबर है। अभी 1100 वॉट का एप्लीकेशन है, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर है, सपोज आपने 48 वोल्ट का या 72 वोल्ट का चार्जर है, तो कितना एम्पियर तक का चार्जर 5 एम्पियर प्लग में लगा सकते हैं, अभी वोल्टेज एंड वॉट पता है, एम्पियर निकाल सकते हैं, वोल्टेज वॉट एंड एम्पियर, इसमें से तीनों में से दो कोई भी चीजें हमें पता है तो एक चीज को निकाल सकते हैं ना, ठीक है। शुरुआत हम लोग सिंपल इससे करते हैं, अगर मेरे पास 48 वोल्ट का सिस्टम है, 48 वोल्ट का बैटरी है, और उसमें वायर मैंने लगाया कि जिसमें से 5 एम्पियर का करंट सप्लाई हो सकता है, 48 वोल्ट का बैटरी है, उसमें वायर ऐसा इतना थिकनेस का लगाया कि जिसमें 5 एम्पियर का करंट सप्लाई हो सकता है, तो कितने वॉट का पावर मैं उसमें से निकाल सकता हूँ। अभी जो वॉट कैलकुलेट होता है ना आउटपुट, वो वॉट आवर्स में होता है, जैसे आपके घर में अभी एलईडी लैंप है, इसके पहले CFL था, फिलामेंट था, तो उसका कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होता है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कितने वॉट का होता है, 40 वॉट पर आवर, 40 वॉट पर आवर, मतलब ट्यूबलाइट को एक घंटा
चलाओगे तो वो 40 वॉट का कंजम्पशन करेगा। तो एक यूनिट में कितने घंटे ट्यूबलाइट चलेगी? 1000 वॉट। हाँ 1000 वॉट, 40 वॉट पर आवर ले रहा है। या तो 1000 वॉट में कितने घंटे ट्यूबलाइट चलेगी? 25 आवर्स। मतलब एक ट्यूबलाइट 25 घंटा चलती है तो वो एक यूनिट कंज्यूम कर लेती है। क्लियर हुआ? Right. तो जो कंजम्पशन निकाला जाता है वो पर आवर्स में निकाला जाता है। अगर मेरे पास 48 होल्ड का बैटरी है और 5 एम्पियर का मैंने वायर लगाया हुआ है तो उसमें से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है पर आवर? 48 into 5 कितना हुआ? 240 वॉट पर आवर। समझ में आ रहा है? ये बेस एक बार क्लियर हुआ ना तो आगे आसान जाएगा। अभी राजेंद्र सर यही टाइम पे गायब है, थोड़ा और बताइए इसको, मैं भी थोड़ा समझ नहीं पाया। हाँ हाँ, ये जब तक क्लियर नहीं होता है मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या सर, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे 48 वोल्ट का बैटरी है और हम उसके अंदर जो लीड है वो 10 एम्पियर का लगा देते हैं और हमारे पास जो इनपुट सप्लाई है वो भी 10 एम्पियर है, तो देन क्या वो फास्ट चार्ज हो जाएगी? वो आता हूं मैं बैटरी जब समझाऊंगा ना तो तब उसको पोस्टमार्टम करके अंडरस्टैंड करेंगे। राइट सर, ठीक है। हाँ, अभी नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे उसका आंसर दूंगा तो इसका कंफ्यूजन और कंटिन्यू रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं। sure. एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने बताया ट्यूबलाइट है, ये थोड़ा रिलेवेंट एप्लीकेशन से मैं समझा देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। ट्यूबलाइट सबको पता है, पता है ना जी? हाँ, बच्चों को अभी पता नहीं होगी क्योंकि अभी उन्होंने एलईडी देखे हैं जो छोटे बच्चे लेकिन हमें तो पता है, हमें पता है। हाँ, अभी ट्यूबलाइट 40 वॉट पर आवर का कंजम्पशन है तो कितना करंट लेती है? करंट निकाल सकते हैं ना, 220 वोल्ट का सप्लाई है तो कितना करंट कंज्यूम करती है? ट्यूबलाइट अगर 40 वॉट पर आवर का कंजम्पशन है एंड 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो उस वायर से कितना करंट फ्लो होता होगा, कैसे निकालेंगे? 5.7 वॉट कैसे निकालते हैं? 14 into 1000 वॉट कैसे निकालते हैं? वोल्ट इनटू एम्पियर। वोल्ट इन एम्पियर, अभी यहाँ पे वोल्ट पता है, वाट पता है, एम्पियर पता है। वोल्ट डिवाइड बाय वाट, वोल्ट डिवाइड बाय वाट, वोल्ट डिवाइड वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट करेंगे तो वाट डिवाइड वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट करेंगे तो करंट मिलेगा, एम्पियर मिलेगा, बराबर है ना? तो 40 डिवाइडेड बाय 220 करेंगे तो 1 ampere या बराबर है। मतलब एक ट्यूबलाइट के लिए कितना करंट जाता है? 0.18 ampere करंट इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। हां, वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई करंट, एम्पियर, और वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर। ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज में नहीं लेके जाऊंगा आपको, नहीं तो फिर जिन लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको डर भी ना लगे और सब समझ में आए। क्लियर? अच्छा, अभी मुझे 500 वॉट का आउटपुट चाहिए, वॉट चाहिए
क्या सर? 100 वोल्ट का सिस्टम है तो करंट कितना जाएगा? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मुझे 500 वॉट का इंस्ट्रूमेंट चलाना है। ओके। एंड 100 वोल्ट का सप्लाई सिस्टम मेरे पास है। ओके। तो कितना करंट पास होगा? 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर। अगर मेरे पास 100 वॉट का सिस्टम है और 10 एम्पीयर का करंट सप्लाई हो सकता है तो कितना वॉट एनर्जी बाहर निकलेगा? 100 वोल्ट है एंड 10 एम्पीयर का करंट सप्लाई हो सकता है कितना वॉट एनर्जी बाहर निकलेगा? क्वेश्चन सांगा सर परत। अगर 100 वोल्ट का पावर सप्लाई मेरे पास है और 10 एम्पीयर करंट पास कर सकते हैं इतने वायर हैं, तो उस वायर से कितना वॉटेज बाहर निकलेगा? 1000 वॉट बाहर निकलेगा ना? यस। 1000 वॉट पर आवर। पर आवर या पर आवर, एक घंटे में 1000 वॉट बाहर निकलेगा। वॉट क्लियर हुआ सबको? मतलब 5 एम्पीयर का जो प्लग आपके घर में है उसमें मैक्सिमम 1100 वॉट तक का आप लोड दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 80% पे जनरली यूज करते हैं, मतलब आप 800-900 वॉट तक का दे सकते हैं लोड, ठीक है, 800 वॉट या 850 वॉट तक का लोड दे सकते हैं। अभी दूसरा एप्लीकेशन है, अगर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है, बराबर है ना? पर आवर देगा सर? हाँ, कंजम्पशन पर आवर भी होता है ना, पर आवर एम्पियर पर आवर AH, मतलब एम्पियर पर आवर, WH वॉट पर आवर, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे इलेक्ट्रिक, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? एक तो कंजम्पशन लिखा है तो वॉट पर आवर रहेगा, एम्पियर रेटिंग या स्टोरेज है तो एम्पियर रेटिंग, एम्पियर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, वाट रेटिंग, एम्पियर, वोल्टेज एंड वॉट। वॉट क्लियर हुआ प्रेम सर? वॉट समझ में आया आपको? ऑडियो म्यूट है। हाँ, वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इनटू वॉट इनटू एम्पियर। हाँ, वोल्ट इनटू एम्पियर। वोल्टेज मतलब क्या समझ में आया? वोल्टेज मतलब प्रेशर। हाँ, एंड करंट मतलब उसका डायमीटर, फ्लो कितना डायमीटर, उतना करंट फ्लो कर सकता है। जितना डायमीटर ज्यादा वायर का उतना ज्यादा करंट पास हो सकता है जी। जितना कंडक्टिविटी ज्यादा उतना ज्यादा इजीली करंट पास हो सकता है। क्लियर जी? अभी घर में जो 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी, अभी घर में दो पॉइंट है, एक 5 एम्पीयर का, एक 16 एम्पीयर का है। 16 एम्पीयर का है तो उसमें 16 × 220 कितना हुआ? अराउंड 3000 वॉट तक के एप्लीकेशन हम उस पे चला सकते हैं। अच्छा, तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन या बाकी एप्लीकेशन हम 5 एम्पीयर प्लग में नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं? बड़े प्लग में, क्योंकि उसका कंजम्पशन जाता है। क्लियर? छोटे प्लग में लगाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। जल जाएगा। जलता है मतलब क्या होता है? ओवरलोड। करंट का डिमांड जब बढ़ेगा, ओवरलोड होगा ना, हीट बढ़, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीड से जाएगा, और कोई भी समझो छोटी चीज को आप ज्यादा स्पीड से पास करते हो तो एक दूसरे में टकराव ज्यादा होगा,
बराबर है ना जी, जनरेट होगी और हीट इतने जनरेट होगी कि वो वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा या उसका इंसुलेशन अगर प्लास्टिक इंसुलेशन है तो मेल्ट होना शुरू होगा। डोमेस्टिक एप्लीकेशन में कौन सा इंसुलेशन होता है? प्लास्टिक का ही होता है ना ज्यादातर वायर्स में, पीवीसी। हाँ, प्लास्टिक पीवीसी होता है ना। यस, तो वो मेल्ट हो जाता है पहले और उससे भी ज्यादा हीट जनरेट होता है तो वायर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर जी। अभी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट की है, ट्रांसफार्मर तक आती है वो कितने वोल्ट की होती है? ये 440 वोल्ट। 220 के थ्री फेज होते हैं, 220 के थ्री फेज होते हैं या ऊपर से जो आती है 440 वोल्ट की। अगर जो सबस्टेशन तक आती है, सबस्टेशन के पहले ये तो सर वहाँ पे डिपेंड करता है सबस्टेशन के साइज के ऊपर, कहीं 33,000 होता है, कहीं 11,000 होता है, कहीं 55,000 होता है। तो 11,000 के मल्टीप्लिकेशन में या 11,000 छोट मिनिमम 11,000 से ड्रॉप करके अभी वहाँ पे 11,000 क्यों चाहिए? वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या हो गया? वायर का थिकनेस कम हो गया। Okay. अगर 20 एम्पियर का वायर है तो 11,000 इंटू 20 कितना आएगा? 220,000 वॉट आ सकता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिर एक ट्रांसफार्मर में आया तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया तो वहां पे 440 का 220 कर दिया। देन उसमें अलग अलग फेजेस भी दे दिया तो अलग अलग इसमें अलग अलग फेजेस से भी जा सकता है। सिंगल फेज डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सिंगल फेज ही आता है ना जी, तो वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अभी जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना प्रेशर ज्यादा, उतना स्पीड क्या होगा? ज्यादा रहेगा। पावर लाइन उस पर कितना वोल्टेज होता है? मेन टावर लाइन जो आती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना, 25,000 वोल्ट। कितना? 25,000 वोल्ट, 10 to 5,000 वोल्ट। उसमें 220 वोल्ट से पास करेंगे तो क्या होगा? नहीं जाएगा, वायर्स बहुत जाड़े, मतलब बहुत बड़े डालने होंगे। जितना वोल्टेज राइज किया तो वायर का थिकनेस कम हो गया एंड जितना वोल्टेज ज्यादा किया तो उसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो स्पीड बढ़ेगा। Okay. जितना वोल्टेज ज्यादा उतना क्या बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगा। जितना प्रेशर ज्यादा उतना क्या होगा? वो जल्दी पहुंचेगा दूसरे एंड तक। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी पहुंचेगा। अगर 12 वोल्ट का सिस्टम लगाए आप मेन लाइन पे, टावर लाइन पे, तो क्या होगा? आप बटन दबाने के कुछ टाइम बाद बल्ब जलेगा, बराबर है ना? अगर इतना डिस्टेंस रहेगा तो, क्योंकि ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा वोल्टेज कम है तो, एंड लॉसेस ज्यादा होंगे, लॉसेस ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा कम वोल्टेज। क्लियर? तो इसीलिए मेन लाइन पे ज्यादा हायर वोल्टेज रहता है जितना ट्रैवल करना है, और ज्यादा दूर ट्रैवल करना है तो वो भी मल्टीपल वोल्टेज में, मतलब 11,000, 33,000, इस तरीके से हायर वोल्टेज में वो लाइन चलती है। क्लियर? अभी ट्रेन जब इलेक्ट्रिक चलती है, लोकल ट्रेन देखी होगी, तो वहां पे कितना वोल्टेज होता है? 25,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतने ही वायर से ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मोटर जो रन करना है ट्रेन का, तो वो मोटर कितना एचपी का होता है? थाउजेंड एचपी प्लस होता है। थाउजेंड एचपी प्लस, तो अगर 1000 HP का पावर चाहिए, मतलब उतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किलोवाट का, एचपी किलोवाट में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे उतने थिक वायर, बड़े वायर्स नहीं डाल सकते ना, कॉस्ट भी बहुत होगा। ये वोल्टेज हाई किया जाता है ताकि छोटे वायर से भी वो पास हो सके। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जी, वो आप कैलकुलेट करना
वोल्टेज कैलकुलेट करना, एम्पियर कैलकुलेट करना हुआ। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक के, क्योंकि ये बेस है, ये क्लियर हुआ तो आगे के कैलकुलेशन आएंगे। क्लियर सबको? चले आगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी में अंडरस्टैंड हो गया। अभी हम आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पैरेलली हम लोग मैग्नेटिज्म को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री में हम काम करने वाले हैं तो उस इंडस्ट्री में दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट यानी क्या होता है? कंडक्टर, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। और क्या होता है मैग्नेट? अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन होता है बिटवीन टू पोल्स। इक्वल पोल्स है तो रिपल्शन होगा, अपोजिट पोल्स है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। और कहाँ से मिलता है मैग्नेट? मैग्नेट कहाँ से मिलता है? आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है या फिर जो ज्यादा पावरफुल होते हैं रियर अर्थ मैग्नेट्स। इस मटेरियल में जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि कंडक्टिविटी होती है, उसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स है जिसमें मैग्नेटिज्म स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उन मटेरियल्स में ज्यादातर कौन से? अभी मैग्नेट के साथ में रिएक्टिव मटेरियल ज्यादा कौन सा है? आयरन है। आयरन, क्लियर। आयरन में मैग्नेटिज्म ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी मैग्नेट जो बनता है आयरन में, लेकिन परमानेंट मैग्नेट बन सकता है क्या? आयरन में स्टोरेज नहीं होता, वो मैग्नेट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मैग्नेट को बहुत अच्छा इफेक्ट वो दिखाता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट आयरन का नहीं बनेगा। परमानेंट मैग्नेट के लिए जो मेटल्स आते हैं वो अलग मेटल्स होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पावरफुल आज के डेट में अगर माना जाता है तो वो नियोडियम है, देन फेरस आता है, देन और कोबाल्ट और बाकी बहुत सारे टाइप। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे लिस्ट कि जिसमें मैग्नेटिज्म स्टोर हो सकता है। लेकिन ज्यादा पावरफुल जो जिनकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है वो अभी मोटर्स में जो यूज होते हैं वो नियोडियम, बीएलडीसी मोटर्स में यूज होते हैं वो नियोडियम मैग्नेट्स यूज होते हैं। वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं एंड एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। क्लियर। अभी मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्या उस मटेरियल के साथ में मैग्नेटिज्म आता है? नहीं, वो बेस मटेरियल होता है। वो मटेरियल को आपको जो शेप में चाहिए उस शेप में मोल्ड किया जाता है, उस शेप में उसको तैयार किया जाता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज किया जाता है। अभी दूसरा क्या रूल है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का रिलेशन क्या है? अगर आप आयरन प्लेट्स के बाजू में वाइंडिंग करोगे, कॉपर वाइंडिंग करोगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या तैयार होगा? मैग्नेट, मैग्नेट तैयार होगा। वो टेम्पररी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तब तक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा एंड वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी उसमें साउथ पोल या नॉर्थ पोल के क्रिएट करना है तो फैराडेज लॉ। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब या राइट हैंड थंब? इंजीनियर नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग नहीं जाते हैं। क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे तो एक पोल क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरा पोल क्रिएट होगा ऊपर साइड में। अगर आप मतलब क्लॉकवाइज करेंगे तो ऊपर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ऊपर साउथ पोल क्रिएट होगा। क्लियर। तो मोटर में क्या करना होता है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ क्रिएट करना होता है। तो मोटर में वाइंडिंग एक पोल पे क्लॉकवाइज होगा, दूसरे पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या
नॉर्थ साउथ आपको जैसा चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? हेलो ये टेम्पररी मैग्नेट क्रिएट होता है। अभी क्या होता है जब मैग्नेटिक मटेरियल मोल्ड करके शेप्स में ये किया जाता है फिर एक चैम्बर में इसी तरीके से मैग्नेटिज्म तैयार किया जाता है बहुत हाई पावर में एंड देन वो मैग्नेट फ्रेंडली मटेरियल जो है वो मटेरियल उसमें रखा जाता है एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिज्म चार्ज करवा लेता है वो बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। वो क्या बन जाता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो भी स्टोर्ड एनर्जी है। मैग्नेटिक इट्स लाइक अ बैटरी उसने भी स्टोर किया हुआ है लेकिन वो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जब है तो उससे बहुत ज्यादा उसने स्टोर करके रख लिया। क्लियर अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है अभी अर्थ में भी क्या है मैग्नेट है मैग्नेटिज्म है लेकिन वो ऑलरेडी चार्ज मैग्नेट है इफेक्ट आपको समझ में आता है ना लेकिन कुछ मटेरियल मेटल जो निकालते हैं जो मैग्नेट फ्रेंडली है उन मटेरियल्स को यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में जहां पे आपको मैग्नेट को यूज करना है। क्लियर आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मैग्नेट हुआ कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं एक परमानेंट मैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट कैसे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने आयरन के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी आयरन के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो कॉपर वाइंडिंग अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसमें मतलब एक नेल खिले के ऊपर आपने अगर वाइंडिंग किया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो खिला मैग्नेटिक मैग्नेट शुरू करेगा राइट। वो कभी किया स्कूल में किया होगा ना एक्सपेरिमेंट? जी 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 ठीक है तो वो टेम्पररी मैग्नेट हुआ जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो मैग्नेटिज्म रहेगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई वो मैग्नेटिज्म खत्म होगा। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है ऑलरेडी वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट फ्रेंडली मटेरियल है तो उसने मैग्नेटिज्म स्टोर करके रख लिया और वो परमानेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिखाएगा परमानेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिखाएगा तो वो हो गए परमानेंट मैग्नेट। अभी मोटर कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नॉर्मल व्हीकल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल व्हीकल में इंजन रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब मोटर रहता है तो एनर्जी जो जनरेट करता है नॉर्मल व्हीकल में इंजन से एनर्जी जनरेट होती है जी। कैसे जनरेट होती है? फ्यूल फायर है ओके फ्यूल फायर होता है पेट्रोल जो है फ्यूल मतलब केमिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी का कैंडल में हम लोग यूटिलाइज बराबर है। इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है एंड उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेते हैं बराबर है जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक केमिकल एनर्जी या पेट्रोलियम एनर्जी या पेट्रोल से या फिर फ्यूल से कर रहा है एंड एक इलेक्ट्रिसिटी से कर रहा है मतलब जैसे इंजिन है वैसा ये इलेक्ट्रिक इंजिन है इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक इंजन है मोटर है ने ये इलेक्ट्रिक इंजन हो गया और इंजन है ने वो फ्यूल वाला मोटर हो गया। फ्यूल वाला मोटर साइकिल क्यों कहते हैं? मोटर कार क्यों कहते हैं? मोटर वाहन क्यों कहते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट मतलब वो मोटर क्यों कहते हैं? इंजन को मोटर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को मोटर कहते हैं लेकिन टेक्निकल टर्म्स में इंजन भी इट्स कॉल्ड अ मोटर मोटर इंजन को भी मोटर ही कहा जाता है क्योंकि वो पावर जनरेशन का काम कर रहा है पावर एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर तो जैसे इंजन है ये भी इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो गया मोटर के साथ में मोटर के लिए एक मोटर कंट्रोलर चाहिए स्पीड कंट्रोल करना है पावर कंट्रोल करना है उसके लिए देन उसको बैटरी चाहिए चार्जर चाहिए एंड जो बैटरी का वोल्टेज है उससे नॉर्मल सभी सिस्टम के लिए डीसी डीसी कन्वर्टर चाहिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर चाहिए
मतलब ये छह पार्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, छह पार्ट छोड़ के बाकी जो व्हीकल में पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। आपके व्हील सेम आएंगे, स्टीयरिंग सिस्टम सेम आएगा, ग्लास सेम आएगा, बॉडी पार्ट सेम आएंगे, सस्पेंशन सेम आएगा, सीट सेम आएंगे, एसी सिस्टम सेम आएगा, बाकी सब सिस्टम्स सेम आएंगे, वाइपर सिस्टम सेम आएगा। तो जो सिस्टम सेम है उसके ऊपर हम लोग टाइम नहीं ये करेंगे, वो ऑटोमोटिव में आपको या ऑटोमोबाइल में वो आपको सीखने को मिलेगा, वो कॉमन है, ठीक है, हर एक पार्ट के बारे में। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको तो उसके आंसर मैं दे दूंगा। हम पूरा फोकस करेंगे जो नॉर्मल व्हीकल में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पार्ट डिफरेंस है, वो पार्ट डिफरेंस को हम लोग इन डिटेल इन डीप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? जो डिफरेंस है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे मेन पार्ट कौन सा है? इंजन। मोटर? मोटर इंजन। इंजन ही है ना मेन व्हीकल में, मेन पार्ट क्या है? पावर जो जनरेट कर रहा है, मतलब मोटर है। अभी मोटर जो आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोटर्स आते हैं, तो वो टाइप्स भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? मैग्नेटिक का सेम पोल्स रिपल करता है एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करता है, यही प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करता है। सेम पोल्स रिपल करता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करता है, ये प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करता है। अभी ये वर्क करने के लिए दो जगह पे पोल होने चाहिए, बराबर है ना? तो इसीलिए मोटर में दो पार्ट होते हैं, आइदर एक होता है स्टेटर एंड एक होता है रोटर। मोटर में दो कॉमन पार्ट कौन से होते हैं? एक स्टेटर एंड रोटर। नाम से ही आपको पता चलेगा, स्टेटर मतलब स्टेबल पार्ट, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट। रोटर मतलब जो रोटेट होता है वो पार्ट रोटर, जो स्टेबल है वो पार्ट स्टेटर। स्टेटर। अभी टाइप ऑफ मोटर, अभी रोटर एंड स्टेटर के हिसाब से एक टाइप का मोटर आता है जो इनर रोटर होता है एंड दूसरे टाइप का मोटर आता है जो आउटर रोटर होता है। इनर रोटर मोटर कहाँ पे देखा है आपने? जैसे एग्रीकल्चर पंप, मशीनरी, मिक्सर ग्राइंडर, इसमें कौन सा मोटर है? कौन सा मोटर है? इनर रोटर मोटर है। इनर रोटर मोटर। एंड आपके घर में जो सीलिंग फैन है वो कौन सा मोटर है? आउटर। आउटर रोटर मोटर, मतलब वो उसका आउटर रोटेट होता है, इनर स्टेबल है। स्टेटर इनर साइड में है, रोटर आउटर साइड में है। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। अभी मोटर के टाइप्स कौन से? सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मोटर है आज के डेट में वो है इंडक्शन मोटर। अभी इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है या इंडक्शन मोटर कैसे होती है? तो इंडक्शन मोटर में जैसे इनर रोटर एंड आउटर रोटर दोनों टाइप के इंडक्शन मोटर होते हैं, तो जो मोटर का जो स्टेटर होता है वो स्टेटर पे वाइंडिंग होता है। जनरली इंडक्शन मोटर थ्री फेज में करते हैं, सिंगल फेज में भी बनाई जाती है, लेकिन जो वाइंडिंग का मेथड होता है वो रोटेशनल वाइंडिंग होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है तो वो एक राउंड मोमेंट में फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जो उसके स्टेटर होता है वो स्टेटर में क्या होता है कि आयरन के पतले पतले प्लेट्स से वो बनाया जाता है, जहाँ पे जिसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। आयरन प्लेट्स क्यों? क्योंकि आयरन में मैग्नेटिज्म ज्यादा क्रिएट होगा टेम्पररी। पतले प्लेट्स क्यों? पूरा ब्लॉक क्यों नहीं? क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना मैग्नेटिज्म ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रांग तैयार होगा। मतलब मोटर का अगर आपको कभी क्वालिटी चेक करनी है, मोटर का अगर अच्छी मोटर कौन सी है, तो अगर स्टेटर आप देखते हो तो जितने पतले प्लेट्स, जितना थिकनेस कम प्लेट्स का उतना मोटर का एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा। लेकिन जितना कम थिकनेस होगा उतने नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ेंगे, लेबर चार्ज बढ़ेगा, उसका मेकिंग चार्ज बढ़ेगा, तो कॉस्ट उसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। जितने थिक प्लेट उतना क्या होगा, मैग्नेटिज्म कम तैयार होगा, लेकिन वो मोटर सस्ते में मिलेगा। क्लियर? तो जितनी पतली प्लेट्स उतने पावरफुल मैग्नेटिज्म उसमें क्रिएट होगा, ज्यादा मैग्नेटिज्म उसमें क्रिएट होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। इसीलिए ब्लॉक्स यूज नहीं करते,
प्लेट्स यूज करके स्टेटर बनाया जाता है, उसको प्रेस करके वो स्टेटर बनाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? और वाइंडिंग का मेथड जो होता है वो रोटेशनल वाइंडिंग होता है। अभी जब रोटेशनल वाइंडिंग होता है, आयरन प्लेट्स लगे हुए हैं, तो वो रोटेट होते होते उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एंड जब रोटेशनल वाइंडिंग होता है तो करंट भी रोटेट होता है। जब रोटेट होता है तो वहां पे एक रोटेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। और जब रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तो उसके अंदर जो रोटर होता है वो रोटर में भी आयरन प्लेट्स लगे होते हैं। ओके, वो रोटर में भी आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, तो वो रोटर क्या करता है, आयरन रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू करता है। आयरन रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अगर एक बाल्टी में आपने बीच में एक चीज को रखा सेंटर पर और एक लाठी से साइड से पानी को रोटेट करना शुरू किया, क्या वो बीच वाली चीज घूमेगी या नहीं? बहुत आगे बराबर से घूमेगी तो सही सर, बट लेकिन बहुत कम मूवमेंट बाकी साइड्स में ही होगी जो हम देखेंगे। तो आप घुमाते ही रहे तो क्या होगा, हो भी घूमेगी ना, घूमेगी सर, घूमेगी। अंदर एक कपलिंग तैयार, जब पानी पूरा घूम रहा है तो वो रोटेटिंग पार्ट भी घूमेगा, मतलब बीच में जो सेंटर पे आपने रखा। उसी तरीके से मोटर के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अभी यहाँ पे पानी था वहां पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करेगा, अंदर जो रोटर है उसको भी घुमाता है, और वो जब घुमाता है तो इंडक्शन मोटर रन होती है। क्लियर? अभी इसका एडवांटेज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। इसको ड्राइव करने के लिए कोई आपको कंट्रोलर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, रोटेट हो गई, थ्री फेज के स्टार्टर खाली यूज करते ऑन ऑफ करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्टार्टर आप, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उस डायरेक्शन में घूमेगा, रिवर्स करना है तो क्या होगा, रिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फेज आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा, रिवर्स घूमना शुरू करेगा, जब रिवर्स घूमेगा तो उल्टे डायरेक्शन में मोटर घूमना शुरू करेगा। मशीन में या कहीं पे देखा होगा ना आपने, फेज चेंज करते हैं, या ड्रिल मशीन में या लेथ मशीन में देखा होगा, फेज चेंज किया तो मोटर उल्टा घूमना शुरू होता है, उल्टा घूमता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, ये मोटर सबसे ज्यादा आज पॉपुलर है, इंडक्शन वाला, इंडक्शन मोटर किसने इन्वेंट किया था, निकोल किसने किया था, हेलो, हाँ नहीं मालूम सर, टेस्ला, टेस्ला ने, अच्छा निकोलस टेस्ला, ठीक है, और वो आज इतना पॉपुलर हो गया दुनिया भर में कि आज ऑलमोस्ट जगह पे यही मोटर का यूज होता है, हर एक एप्लीकेशन में आप देखेंगे। ये इसका एडवांटेज हो गया, इकोनॉमी है, मेंटेनेंस नहीं है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है, आइदर वो मेंटेनेंस आया तो बेरिंग्स जाता है या जल जाता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अभी उसके ऊपर एक ऊपर कैपेसिटर लगा होता है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, और एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एकदम से डिस्चार्ज दे देता है। तो जो रोटेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग के लिए एक जर्क चाहिए, एक धक्का चाहिए, पुश चाहिए, तो उसके लिए वो कैपेसिटर होता है। फैन में भी कैपेसिटर लगाते हैं ना, स्टार्ट के लिए, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग टाइम। एडवांटेज ये है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इकोनॉमी। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है तो स्लिपेज ज्यादा होता है, स्लिपेज ज्यादा होता है, मतलब जैसे आप ज्यादा लोड डालोगे तो इसमें स्लिप, फैन को आप टच करोगे तो क्या होगा, रुक जाएगा, टॉर्क उसमें ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, कम एज कंपेयर टू अदर मोटर, साइज भी बड़ा हो जाता, साइज भी बड़ा हो जाता। ठीक है, मतलब 5 HP का मोटर आपने देखा होगा या 3 HP का मोटर देखा होगा, तो साइज बड़े साइज में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, टॉर्क कम मिलता है,
स्लिपेज होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा है कंपैरेटिवली वेट भी ज्यादा रहेगा. मतलब पहले अपने आटा चक्के में मोटर्स देखे होंगे 20 एचपी 25 एचपी के मोटर. हाँ बहुत बड़ा बड़ा रहता है. ठीक है अभी भी चल रहा है इधर. हाँ ठीक है. लेकिन अभी जो नए टाइप के मोटर्स आते हैं तो वो बहुत कॉम्पैक्ट आते हैं. धीरे धीरे हम आगे के टाइप्स देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा जी. इंडक्शन मोटर समझ में आया? अभी इंडक्शन मोटर के बाद में दूसरा मोटर आता है सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टेटर पे वाइंडिंग था, रोटर पे था क्या? नहीं, रोटर पे क्या था? आयरन प्लेट्स थे. सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पे भी वाइंडिंग होता है, रोटर पे भी वाइंडिंग होता है. अभी इसका एडवांटेज क्या होता है, तो दोनों जगह पे जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा तो दोनों जगह पे होगा ना. तो साउथ नॉर्थ पोल जो है वो अगर सामने सामने तैयार हो गए तो जो EMF जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसके साथ में जो रोटर घूमेगा कपलिंग स्ट्रांग होगा. कपलिंग लूज होगा इसका? नहीं, स्लिपेज नहीं आएगा. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, इसमें स्लिपेज नहीं आता है. स्लिपेज नहीं आएगा तो टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है इसमें. टॉर्क ज्यादा मिलेगा इसमें, बहुत ज्यादा मिलता है. लेकिन दो जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, रोटर पे एंड स्टेटर पे, तो इफिशियंसी कम होता है, कंजम्पशन ज्यादा हो गया ना. हाँ प्लस इसमें रोटेटिंग पार्ट पे इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो उसको ब्रश लगता है, क्योंकि रोटेटिंग इस पे ही करना है ना. तो वो वाइंडिंग के कम्यूटेटर थ्रू कौन सा फेज ऑन करना है, नॉर्थ पोल कनेक्ट करना है साउथ पोल कनेक्ट करना है, तो कम्यूटेटर थ्रू ब्रश से उस पोल पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. एंड जो कम्यूटेटर है वैसा डिजाइन किया जाता है ताकि वो आउटर एंड इनर में दोनों जगह पे कपलिंग स्ट्रांग हो सके. क्लियर? इसका डिसएडवांटेज क्या है, ब्रश है तो मेंटेनेंस करता है, डबल जगह पे वाइंडिंग है तो इफिशियंसी कम मिलता है, कंजम्पशन ज्यादा मिलेगा. एडवांटेज क्या है, टॉर्क बहुत ज्यादा, टॉर्क ज्यादा है. प्लस जैसे टॉर्क का डिमांड बढ़ता है, इंडक्शन मोटर क्या करेगा, जैसा जैसा लोड दोगे वो स्टॉप होते हैं, स्लिपेज होके स्टॉप हो जाएगा. सिंक्रोनस मोटर में जैसा जैसा आप लोड बढ़ाओगे वो करंट डिमांड बढ़ाएगा, उसका आरपीएम कम नहीं होने देगा. अच्छा करंट मांगेगा ज्यादा, करंट ज्यादा डिमांड करेगा, आरपीएम कॉन्स्टेंट रखेगा. कहां पे सिंक्रोनस मोटर यूज होता है, कहां कहां पे देखा है ऐसा वो मोटर अपने? मिक्सर ग्राइंडर, इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में कहां पे? मिक्सर ग्राइंडर में सेम मोटर है? नहीं ब्रश नहीं ब्रश वाला अल्टरनेट, आपका ऑडियो म्यूट है गौरव सर. मिक्सर ग्राइंडर में इनर एंड आउटर वाइंडिंग है ना दोनों जगह पे, राइट सर? हाँ सर, कार्बन ज्यादा जमा होता है वहां पे, कार्बन ब्रश होता है ना. तो एडवांटेज क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर में आप कितना भी लोड डालोगे तो वो क्या कर लेता है, क्रश कर लेता है, वो क्रश कर देता है, तो टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है. और स्पीड, जो स्पीड से घूमता है वही स्पीड में वो क्रश करता है ना, स्पीड कम होता है नहीं, अगर बहुत ज्यादा लोड है तो वो रिस्ट्रिक्ट करके स्पीड कम करेगा, ओवरलोड हो गया तो. यस सर. ठीक है, यहां से जैसे आप करंट बढ़ाते हो तो क्या होता है, स्पीड भी बढ़ जाता है. जो स्टेपर स्विच होता है उससे क्या बढ़ता है, आपका वोल्टेज वेरी होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा आरपीएम, आरपीएम किससे वेरी होगा, वोल्टेज से, वोल्टेज से. जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में क्या, जो रेगुलेटर है अभी स्टेपर, उसमें क्या चेंज होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा. ओके, वोल्टेज कम यानी स्पीड कम, वोल्टेज ज्यादा यानी स्पीड ज्यादा. ओके
ठीक है, तो वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, कैसे रेगुलेट करता है, रेजिस्टेंस बढ़ा के ड्रॉप कर लेता है। रेजिस्टेंस बढ़ा के करता है ना क्या, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो प्रेशर कम होगा ना। बराबर है ना जी, और प्रेशर कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर समझ में आया, और कहाँ पे होता है, ड्रिल मशीन में आपने जहां जहां ब्रश आपने सुना है ना, जहां यहाँ पे ब्रश यूज होता है वहां पे सिंक्रोनस मोटर है। ब्रश वाले एप्लीकेशन वाले जहां जहां मोटर्स है वहां पे सिंक्रोनस मोटर है। क्लियर हुआ जी? ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आया, अभी मोटर में दो टाइप के होते हैं, एक डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट एंड एसी करंट में क्या फर्क होता है? अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। डीसी यानी डायरेक्ट करंट है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट है, तो उसमें फर्क क्या आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एसी करंट साइनसॉइड वेव में आता है, एसी करंट डायरेक्ट सिंगल लाइन सीधा लाइन आता है। कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या फिल्मों में देखा होगा, जब वो आखिरी घड़ियां गिन रहा होता है तो पहले क्या दिखता है, एसी करंट, अब जब डेड हो जाता है तो डीसी करंट, डीसी यानी डेड करंट। बराबर है ना, याद रखने के लिए, डीसी यानी डेड करंट सीधा लाइन। तो मोटर भी दो टाइप का आता है, डीसी मोटर्स भी आता है, एसी मोटर्स भी आता है। ठीक है, एसी करंट अल्टरनेटिव है, वो वेव फॉर्म में है, तो एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते, एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते, जिंदा है तो बांध के नहीं रख सकते, लेकिन डीसी करंट को आप स्टोर कर सकते क्योंकि वो डेड है, तो उसको स्टोर किया जा सकता। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? तो जहां पे स्टोर करना है, जो बैटरीज होती है वो डीसी ही मिलेगी, एसी बैटरीज नहीं आती है। अगर स्टोर करना भी है तो आपको डीसी में कन्वर्ट करके ही स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि एसी तो जिंदा है, वो तो भाग जाएगा, वो रुकता नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मोटर आता है पीएमडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। सिंक्रोनस मोटर के बाद में जो इन्वेंशन हुई खोज हुई पीएमडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या किया, जो स्टेटर है वहां पे परमानेंट मैग्नेट्स लगाए एंड जो रोटर है वहां पे वाइंडिंग दिया। जो स्टेटर है वहां पे परमानेंट मैग्नेट लगाए, जो रोटर है वहां पे मैग्नेट्स दिया, सॉरी वाइंडिंग दिया, तो ब्रश वैसा ही रहा क्योंकि रोटर पे वाइंडिंग है। पीएमडीसी मोटर में भी टॉर्क अच्छा मिलेगा क्योंकि कपलिंग स्ट्रांग हो रहा है, तो एडवांटेज क्या है पीएमडीसी मोटर का, टॉर्क अच्छा मिलेगा लेकिन इफिशियंसी कम होता है, ब्रश है तो मेंटेनेंस आएगा। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, फिर रेगुलर प्रोडक्शन है। कहाँ कहाँ डीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर आपने कहाँ कहाँ देखी है? अभी डीसी आ गया तो वो मूविंग एप्लीकेशन एंड डीसी पावर में, मतलब स्टोरेज एप्लीकेशन जहाँ पे, तो आपके कार के वाइपर में जो मोटर लगता है वो पीएमडीसी मोटर है। जो स्टार्टर है, स्टार्टर में भी मैग्नेट होता है ना, स्टार्टर में मैग्नेट्स होते हैं क्या? वाइपर मोटर में मिल जाते मैग्नेट वाले स्टार्टर होते हैं क्या? स्टार्टर, स्टार्टर बोले तो कार का स्टार्टर, ट्रक का स्टार्टर, हाँ, सेल्फ 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 सेंसर, सेल्फ मोटर, हाँ, उसमें मैग्नेट्स होते हैं क्या? नहीं मालूम, मैं देखा नहीं। नहीं, ब्रश होते है क्या? अभी इंजन को स्टार्ट, ब्रश,
जो मोटर यूज करते हैं स्टार्टर मोटर, तो उसमें ब्रश होते हैं, तो उसमें इनर एंड आउटर दोनों जगह पे वाइंडिंग रहेगा, या फिर एक जगह पे डीसी अगर है तो एक जगह पे उसको मैग्नेट रहेंगे, एक जगह पे वाइंडिंग रहेगा। उसका एडवांटेज क्या होगा, टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि इंजन का कंप्रेशन ब्रेक करके उतना पावर जनरेट करने के लिए तो उतना ताकत मिलना चाहिए, टॉर्क मिलना चाहिए, क्लियर। तो वो हाई टॉर्क मोटर, अभी हाई टॉर्क है तो वो हाई कंजम्पशन भी करेगी, लेकिन वो उसका एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो वो शॉर्ट पीरियड में हाई कंजम्पशन करती है, क्लियर। वाइपर मोटर जो है वो पीएमडीसी मोटर है, और भी बहुत सारी जगह पे पीएमडीसी मोटर यूज किया जाता है, लेकिन पीएमडीसी मोटर में क्या रहता है, ब्रशेस आएगा एंड मैग्नेट, मैग्नेट आएगा, अंदर है वाइंडिंग है, अंदर वाइंडिंग है, बाहर मैग्नेट है, मैग्नेट है, ब्रश है, हाँ, स्टेटर पे मैग्नेट्स है, रोटर पे वाइंडिंग है, ब्रश है, कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश आएगा उसमें, अगर रोटर पे वाइंडिंग है तो कार्बन ब्रश आएगा, कार्बन ब्रश है तो उसका लाइफ लिमिटेड मिलेगा, मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद में जो मैग्नेट्स है वो रोटर पे आ गए और जो वाइंडिंग है वो स्टेटर पे चला गया, तो वो बन गया ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी, मैग्नेट्स रोटर पे आ गए एंड वाइंडिंग स्टेटर पे चला गया, तो वो बन गया ब्रशलेस डीसी मोटर, बीएलडीसी मोटर। और आज के डेट में ये मोटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी जब मैग्नेट्स स्टेटर पे चला गया, ब्रश निकल गया, तो मेंटेनेंस खत्म हो गया। मैग्नेट जब रोटर पे चला गया तो स्टेटर पे वाइंडिंग है, तो अभी मूविंग पार्ट पे कुछ है नहीं, मैग्नेट्स ही है सिर्फ, तो उसमें क्या हुआ, आपका मेंटेनेंस खत्म हुआ, मैग्नेट्स कम हो, प्लस आपको टॉर्क भी मिला, मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन इजी हो गया, क्लियर जी। एंड उसके साथ में एप्लीकेशन, व्हीकल एप्लीकेशन में फिर ये ज्यादा पॉपुलर होने लगा। आज के डेट में ज्यादा व्हीकल में यूज करते हैं वो बीएलडीसी मोटर्स। अभी बीएलडीसी मोटर में भी इनर रोटर एंड आउटर रोटर मोटर आता है, जैसे ई रिक्शा में आप देखोगे तो इनर रोटर मोटर है, हब मोटर कौन सा, इनर रोटर है आउटर रोटर है, हब मोटर का बॉडी घूमता है ना, तो आउटर रोटर, आउटर आउटर रोटर, सीलिंग फैन जैसा हो गया, सीलिंग फैन, सिर्फ सीलिंग फैन में क्या होता है, अंदर से मैग्नेट्स नहीं होते हैं, वो अंदर जैसे वाइंडिंग ऐसा होता है रोटेटिंग, तो वो जैसे रोटेट करना लगता है तो सीलिंग फैन में साइड में क्या होता है, आयरन कोर होता है, घूमना शुरू कर देता है, फैन घूमना शुरू होता है। अभी नए जो फैंस आ रहे बीएलडीसी फैन, तो उसमें क्या हुआ, अंदर वाइंडिंग एंड बाहर मैग्नेट, वहां पे क्या रहेगा, मैग्नेट्स रहेगा। तो इसका एडवांटेज ये होता है नॉर्मल मोटर से, मतलब सीलिंग फैन अगर 60 से 80 वॉट का पावर कंजम्पशन करता है, वही बीएलडीसी फैन 18 से 25 वॉट पे चलता है, इतना डिफरेंस हो जाता है इफिशियंसी में, इतना डिफरेंस आ जाता है। और जब इफिशियंसी इतना बढ़ जाता है तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाता है, क्लियर। बीएलडीसी क्लियर हुआ जी। अभी बीएलडीसी मोटर के बाद में अभी जो आते हैं तो पीएमएसएम मोटर आते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। तो ये मोटर सभी ज्यादा बड़े एप्लीकेशन में पॉपुलर, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, हाई पावर, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, अभी जितने भी कार्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, उसमें पीएमएसएम मोटर यूज होता है, इसका एफिशिएंसी भी अच्छा मिलता है, बीएलडीसी जितना एफिशिएंसी मिलता है या थोड़ा सरप्लस भी मिल सकता है, लेकिन पीएमएसएम का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड पीएमएसएम का कंट्रोलर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कॉस्ट वाइज महंगा जाता है।
इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स 12 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख थोड़े कॉस्टली आते हैं। वही अगर बीएलडीसी मोटर यूज करेंगे तो और कम हो जाएंगे, लेकिन बीएलडीसी मोटर जो है 10 किलोवाट 12 किलोवाट तक के पावर के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। 10 से 12 किलोवाट तक का जहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बीएलडीसी मोटर ज़्यादा पॉपुलर है। 10-12 किलोवाट के आगे के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे पीएमएसएम मोटर पॉपुलर है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, तो उसमें क्या होता है टॉर्क भी अच्छा मिलता है एंड आपको एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि प्राइजिंग उसका ज़्यादा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटर समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मोटर के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी ये जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आए होंगे ना, ये सब मोटर आपके सामने फिजिकली मिलेंगे और फिजिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी जी जी, प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकल में तो आप खुद को ओपन करके उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बाकी के कैलकुलेशन करना, सिलेक्शन करना, काम स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्निकली आप अवेयर रहोगे कि कौन से टाइप का मोटर है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन से एप्लीकेशन में कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा सूटेबल है। सर, इस मोटर को लाइफ साइकिल रहता है क्या? हाँ, अभी जैसे वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में जब तक आप ओवरलोडिंग नहीं करते या फिर कुछ फिजिकली डैमेज नहीं होता है तब तक वाइंडिंग खराब नहीं होगा, बराबर है ना? बराबर। प्लस मैग्नेट्स जो है, तो मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे कभी ओवर हीट हुआ या फिर धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म कम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो 10 से 12 साल आराम से चल सकता है। नियोडियम जो मैग्नेट्स है 10-12 ईयर चल सकता। और अगर डिस्चार्ज हो भी गए, खराब हो भी गए, तो मैग्नेट्स को चेंज करके अगेन यूज किया जा सकता। उसका रिवाइंडिंग भी हो सकता है सर? हाँ, सिंपल है ना, जैसे फैन का रिवाइंडिंग होता है सेम वैसा वाइंडिंग इसमें होता है, डिफिकल्ट नहीं है। उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है उसका, सिर्फ इंडिया में बनाने के लिए अभी कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं एंड ऑलरेडी बीएलडीसी मोटर का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से ही चाइना में गया है। अपने एक एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है जो पिछले 25 साल से बीएलडीसी मोटर्स बनाते हैं, चाइना में उनका कंपनी है और उन्होंने फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया से चाइना में दिया था। उनके अंकल थे वो यूएस में रहते थे, उन्होंने वो डेवलप किया था, उसके बाद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, देन वो चाइना में गया, लेकिन चाइना में उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ और इन्वेंशंस हुए, वो आज इतना पॉपुलर हो गया और यहाँ पे ये जो इतना पहले यूनिट था उसमें थोड़ा सा बढ़ के रेगुलर, वो टाइम पे बहुत पैसा लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दिया। तो बीएलडीसी मोटर जो है वो इंडिया से चाइना गया। क्लियर? कोई क्वेश्चंस? नेक्स्ट कंटिन्यू करना है रुकना है? क्योंकि टेक्निकल टॉपिक में ज्यादा हेवी हो गया तो फिर लीकेज बढ़ जाता है। कंटिन्यू कीजिए। टेक्निकल में कंटिन्यू करूं? जी। ओके सर। यस सर, यस। कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आपको नोट डाउन करना है कि कितने टाइप्स ऑफ मोटर्स आते हैं एंड उसके एडवांटेज क्या है, 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज, ताकि नोट कर लिया तो वो परमानेंट रहेगा आपके पास में, फिर दूसरा हेवी टॉपिक भी रहेगा तो लीकेज नहीं होगा, बराबर है ना?
सबके पास है नोटबुक पेन डायरी पेन टाइप्स ऑफ मोटर्स तीन एडवांटेजेस तीन डिसएडवांटेजेस
हो गया सबका? कौन बताएंगे कितने टाइप के मोटर्स होते हैं? पांच टाइप कौन से? कौन से? इंडक्शन मोटर, बीएमडीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, बीएलडीसी मोटर आणि पीएसएम मोटर। पीएमएसएम? हाँ, पीएम सिंक्रोनस मोटर। क्लियर हुए सबको? वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ सबका? जी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हुए? जी। अभी इंडक्शन कंट्रोलर का जरूरत नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में कंट्रोलर जो होता है, जो उसका कम्यूटेटर होता है, उस पर डिजाइन ऐसा किया होता है कि वो प्लस माइनस यानी आपका नॉर्थ साउथ तैयार कर सकता है। पीएमडीसी मोटर में कम्यूटेटर भी होता है, प्लस आपको पावर सप्लाई कंट्रोल करने के लिए एंड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे व्हीकल एप्लीकेशन में यूज करना है तो स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके लिए कंट्रोलर आपको लगेगा। बीएलडीसी मोटर में पीएमडीसी मोटर से कंट्रोलर जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड बीएलडीसी मोटर जो होता है वो थ्री फेज मोटर्स होता है। अभी थ्री फेज मोटर रहेगा तो क्या होगा, 360 डिग्री का हॉल, मतलब सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो उसमें 120 डिग्री वाइंडिंग का मेथड जो होता है वो 120 डिग्री में करके उसमें भी पॉजिटिव सॉरी साउथ नॉर्थ पोल तैयार किए जाते हैं। लेकिन वो तैयार करते समय मोटर के अंदर जितने नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा रहेंगे उतना मोटर का स्मूथनेस ज्यादा आएगा, जितने नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा रहेंगे उतना मोटर का टॉर्क ज्यादा मिलेगा, जितने नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा रहेंगे उतना मोटर का इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा, जितने नंबर ऑफ मैग्नेट ज्यादा रहेंगे उतना मोटर का इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा, जितने नंबर ऑफ मैग्नेट ज्यादा रहेंगे उतना स्मूथनेस बढ़ेगा। हब मोटर जो होते हैं वो इनर रोटर मोटर से स्मूथ होती है क्योंकि उसका आउटर में मैग्नेट्स है, तो आउटर में डायमीटर बड़ा हो गया, नंबर ऑफ मैग्नेट ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें स्मूथनेस एंड टॉर्क ज्यादा मिलता है। क्लियर जी? अभी थ्री फेज में कौन से, तीन अलग अलग फेज होते हैं जनरली, उसमें स्टार वाइंडिंग किया जाता है, सभी फेजेस को एंड में न्यूट्रल किया जाता है, तीनों फेज को एंड में क्या करते हैं, न्यूट्रल किया जाता है। अभी एक एक फेज से जो सप्लाई जाना है, मतलब अगर हॉल वन थ्री फेज है तो तीन हॉल होंगे, अभी तीन हॉल में 120 डिग्री में, सपोज एक हॉल में एक सेटर पे वाइंडिंग हुआ तो वहां से जंप हो के वो सेकेंड हॉल में जाएगा, देन थर्ड हॉल में जाएगा, तो तीन जगह पे, या फिर उसमें क्या करेंगे, फेज वन टू थ्री फिर फोर्थ वाइंडिंग पे वो चला जाएगा पहले इसका, तो क्या होगा, एट ए टाइम नंबर ऑफ प्लेसेस पे एक पोल जनरेट होगा और उसका कपलिंग और स्ट्रांग हो जाएगा, एट ए टाइम नंबर ऑफ प्लेसेस पे जनरेट होगा मैग्नेटिज्म एंड कपलिंग स्ट्रांग हो जाएगा, तो टॉर्क बीएलडीसी मोटर में ज्यादा मिलता है। क्लियर? अभी कौन से फेज को ऑन करना है, क्योंकि तीन फेज है, एट ए टाइम एक ही फेज काम करेगा। इंडक्शन मोटर में रोटेशनल वाइंडिंग है तो तीनों फेज एट ए टाइम काम करते हैं, तीनों फेज क्या करेंगे, एट ए टाइम काम करेंगे, लेकिन बीएलडीसी मोटर में एक ही फेज काम करेगा लेकिन तीनों फेज में स्विचिंग होता है। अभी ये स्विचिंग कौन करता है और कौन सा फेज ऑन करना है कौन सा फेज नहीं करना है, इसीलिए बीएलडीसी मोटर्स में हॉल सेंसर्स होते हैं। हॉल सेंसर क्या करता है, पोजिशनिंग डिटेक्ट करता है, बता देता है कि अभी कौन सा पोल सामने है और कौन सा उसके बाजू में कौन सा पोल है। जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट एंड जो आपका पोल्स है वाइंडिंग का, उसमें एक मैग्नेट ज्यादा रहेगा, पोल से एक मैग्नेट ज्यादा होता है तो मोटर क्या होता है, कहीं पे स्टक नहीं होता है, नहीं तो क्या होगा, सामने सामने आ गए तो
क्या होगा, स्टेप स्टेप पर मोटर हो जाएगा, वो स्टेप स्टेप में घूमेगा, तो वो स्टेप स्टेप में जो घूमता है उसको स्टेपर मोटर कहते हैं। जो प्रिसाइज मोमेंट चाहिए होती है, जैसे प्रिंटिंग मशीनरीज हो गए हैं, या फिर जहाँ पे आपको रोबोटिक्स एप्लीकेशन हो गए हैं, वहाँ पे प्रिसाइज मोमेंट चाहिए होता है ना, इतने डिग्री में ही जाना चाहिए, वहीं पे रुकना चाहिए, लॉक होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर वो स्टेपर मोटर बनता है। तो उतने ही स्टेप्स वो घूमेगा, आपने जितना उसको कमांड दिया उतना ही स्टेप घूम के उतने ही डिग्री में वो रुक जाएगा। तो जो प्रिंटिंग मशीन है उसमें पोजिशनिंग परफेक्ट चाहिए होता है ना, रोबोटिक एप्लीकेशन में, सीएनसी में, तो ये सब जगह पे स्टेपर मोटर्स यूज होता है। क्लियर? अभी बीएलडीसी मोटर में क्या होता है कि बीएलडीसी मोटर में एक मैग्नेट ज्यादा रहेगा तो वो जाके सामने सामने लॉक नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, जो सामने नेक्स्ट मैग्नेट है वो पोल को ऑन करेगा, तो मोमेंटम स्टार्ट हो गया एंड नेक्स्ट स्विचिंग करते जाएगा। तो हॉल सेंसर का काम क्या होता है, उसको पोजिशनिंग डिटेक्ट करके देना, कंट्रोलर को फीडबैक देना कि कौन से पोजिशन पे कौन सा फेज ऑन होना चाहिए। कंट्रोलर का काम क्या होता है, स्विचिंग करना, पहला काम स्विचिंग करना, फीडबैक लेके स्विचिंग करना। दूसरा काम कंट्रोलर का ये होता है कि करंट को लिमिट करना, क्योंकि मोटर में जिस थिकनेस का वाइंडिंग यूज किया है उतना ही करंट जाना चाहिए ना, उससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा, गर्म होगा, तो करंट को कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोलर का काम होता है कि मैक्सिमम करंट को लिमिट करना। क्लियर? जी। देन करंट को जितना आपको टॉर्क चाहिए, जितना स्पीड चाहिए, जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, एंड जैसे एक्सेलरेशन आप कम ज्यादा करते हैं तो वहां पे वोल्टेज भी वेरी होता है। वोल्टेज वेरी यानी थ्रोटल लेवल पे वोल्टेज वेरी होता है, लेकिन पीडब्ल्यूएम सिग्नल थ्रू यहाँ पे करंट वेरी होता है। उसका आगे जो करंट जाता है बीएलडीसी मोटर से कंट्रोलर से, कंट्रोलर तक डीसी पावर आता है, देन चॉप करके वो आगे एसी पावर सप्लाई होता है, लेकिन चॉप करके जाता है तो वो मेजरेबल नहीं होता है। चॉप करके जाता है तो वो मेजरेबल नहीं होता है, मतलब कंट्रोलर के मोटर के जो तीन फेज निकलते हैं उसमें अगर आप मेजर करने जाओगे तो वहां पे पावर को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। अभी कंट्रोलर का पहला काम कहाँ पे ऑन करना है, पोजिशनिंग डिटेक्ट करके फेज स्विचिंग करना, दूसरा काम करंट को लिमिट करना, तीसरा काम आता है कि थ्रोटल जो कनेक्टेड होता है, थ्रोटल यानी 0 to 5 volt का वेरिएशन करता है, थ्रोटल यानी सिंपली रोटेट करके आप रेजिस्टेंस, जैसा सीलिंग फैन का रेगुलेटर है उसी तरीके से वो थ्रोटल काम करता है। जैसा रेडियो में आपने पोटेंशियोमीटर देखा होगा, वॉल्यूम कम ज्यादा करने का बटन होता है, वैसा ये पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम को भी रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके कम ज्यादा किया जा सकता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज को भी कम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है, 0 to 5 volt का वेरिएशन करके थ्रोटल से कंट्रोलर को सिग्नल दिया जाता है, एंड कंट्रोलर 0 to 5 volt के वेरिएशन से पीडब्ल्यूएम सिग्नल लेके वहां से वो मदरबोर्ड क्या करता है, उसमें प्रोग्राम होता है कि कौन से समय क्या एक्ट करना है, उसके हिसाब से वो स्विचिंग करता है, उसके हिसाब से आगे का करंट डिसाइड करता है, उसके हिसाब से आगे का उसका टॉर्क एंड स्पीड डिसाइड करके उतना सप्लाई मोटर को दे देता है। क्लियर? देन कंट्रोलर में और कौन सा फंक्शन आता है, डीसी पावर को कन्वर्ट करके दिया, स्विचिंग करके दिया, चॉप करके दिया, थ्रोटल से जो सिग्नल आया उस हिसाब से स्पीड वेरी किया, फीडबैक लेके हॉल सेंसर से उस हिसाब से कौन सा फेज ऑन करना है वो डिसाइड किया। देन कंट्रोलर का और काम आता है कि बाकी जो कनेक्शन है, जैसे 3-speed mode चाहिए तो वो 3-speed mode दे देता है। देन आपको अगर बाकी और कुछ वोल्टेज आउटपुट, कम वोल्टेज आउटपुट चाहिए तो वो दे देता है। रीजनरेटिव कंट्रोलर है तो उसमें ब्रेकिंग होने के बाद में ब्रेकिंग से आपको मोटर से जो पावर जनरेट होता है वो फिर से बैटरी को दे देना,
ठीक है, बीएलडीसी मोटर जो है, अभी जिस तरीके से मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेटिज्म तैयार होकर मोटर का काम करता है। अगर परमानेंट मैग्नेट है वहां पे और आप रोटेट करते हो उसको, तो क्या तैयार होगा? करंट। अगर मोटर को रोटेट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना? हाँ, चार्जिंग होगा। तो चार्जिंग होगा, तो बीएलडीसी मोटर जो है इट कैन एक्ट एज ए जनरेटर, वो जनरेटर का भी काम करती है। क्लियर? जब मोटर घूमेगा, अभी कम से कंडीशन में मोटर घूमते रहता है, जैसे आपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया और एक्सेलरेशन कम किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मोमेंटम मिला है ना, तो वो जनरेट करंट देता है, उस समय करंट जनरेट होता है। लेकिन जितना स्पीड है उतना ही वोल्टेज जनरेट होगा। अगर वो स्पीड बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर जनरेट नहीं होगा तो बैटरी चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो अगर वोल्टेज ज्यादा, बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए रीजनरेटिव जो कंट्रोलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो मोटर से आउटपुट आ रहा है उसको बूस्ट करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट करके फिर बैटरी को दिया जाए। ब्रेक आप दबाते हो तो ब्रेकिंग में उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, मतलब ईएमएफ को ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी मोटर को करंट सप्लाई करके टॉर्क जनरेट होता है, उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जनरेटर में फिर इंजन क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से पावर देना होगा। तो जनरेटर में क्या होता है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हम इंजन यूज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जितना मोमेंटम मिला है, रेजिस्टेंस जितना स्ट्रांग जनरेट होगा ब्रेकिंग फास्ट होगा, ब्रेकिंग क्या होगा, फास्ट होगा। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकते। ब्रेक में दो टाइप के ब्रेक आते हैं, एक लो लेवल ब्रेक आता है। लो लेवल ब्रेक यानी वो सिर्फ पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। जैसे ब्रेक आपने कट किया और एक्सेलरेटर भी पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, मोटर अगर टॉर्क जनरेट करेगा तो ब्रेक का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ब्रेक जल्दी खराब हो जाएगा, मेंटेनेंस ज्यादा आएगा। तो जैसे ब्रेक टच करते हो तो ब्रेक में एक स्विच होता है, वो स्विच कंट्रोलर को क्या कमांड देता है, अभी ब्रेकिंग एप्लीकेशन है, मोटर एप्लीकेशन बंद कर। तो जैसे ब्रेक टच किया तो आपने मोटर का एप्लीकेशन बंद हो जाए, लो लेवल ब्रेक। हाई लेवल ब्रेक में क्या होता है, हाई लेवल ब्रेक में ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, ईएमएफ को उसका इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज किया जाता है एंड वहां पे हाई रेजिस्टेंस से ब्रेकिंग मोटर थ्रू भी ब्रेकिंग किया जाता है। क्लियर? ट्रेन में कैसे ब्रेक्स लगाते हैं? एयर ब्रेक्स। और मैग्नेटिक ब्रेक होते होंगे शायद, में भी मैग्नेटिक ब्रेक होते हैं, उसको ईडी करंट ब्रेक कहा जाता है। अभी ट्रेन्स में जो पुराने ट्रेन्स है उसमें एयर ब्रेक या डिस्क ब्रेक होते थे, मतलब उसके थ्रू वो ब्रेकिंग किया जाता था। लेकिन कंटिन्यूअसली लॉन्ग रन करना है तो वो गर्म होके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या हीट ज्यादा जनरेट होती है। जो जैसे अभी हाई स्पीड ट्रेन्स है, बुलेट ट्रेन्स है, मैगलेव्स है, तो उसमें ईडी करंट ब्रेक यूज करते हैं। ईडी करंट ब्रेक यानी आप मैग्नेटिज्म क्रिएट करके उसमें क्या करते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो मोमेंट को जैसे मोटर में मोमेंट को घुमाया जाता है वैसे इसमें उल्टा उसी मैग्नेटिज्म से उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हीट जनरेट नहीं होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग होता है। अभी कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स कुछ गाड़ियों में भी यूज करना शुरू हो चुके हैं, बड़े एप्लीकेशंस में प्लस छोटे एप्लीकेशंस में भी यूज होने शुरू हो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक।
जो आप ट्रेडमिल पे रन करते हो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, मतलब क्या करते हो, एक बटन घुमाने से वो हेवी चलने लगता है ना, या जो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स है वो हेवी कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के ईएमएफ बढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग किया जाता है, और वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना करंट आप जैसे सेट करोगे जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ाओगे ब्रेकिंग स्ट्रांग होते जाएगा, क्लियर? ठीक है, तो जनरेटर का भी काम कर सकते हैं प्लस मोटर का भी काम कर सकते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? कंट्रोलर क्लियर हुआ, क्या क्या फंक्शन होता है कंट्रोलर का? अभी जब आप सामने देखोगे तो वो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी एप्लीकेशन वाइज आप फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, थ्रोटल का क्या काम है पता चला, कैसे वर्क करता है पता चला, ठीक है? अभी बचे डीसी-डीसी कन्वर्टर, डीसी-डीसी कन्वर्टर का काम क्या होता है, जैसे अभी जितना पावर चाहिए तो उतना वोल्टेज का सिस्टम व्हीकल में यूज किया जाता है, जितना ज्यादा पावर चाहिए तो हायर वोल्टेज यूज करेंगे, जितना कम पावर चाहिए तो लोअर वोल्टेज यूज करेंगे। अभी जो वोल्टेज है व्हीकल में, जैसे आपका वाइपर हुआ, बाकी सिस्टम्स हुआ, हेडलाइट, हॉर्न, ये सब कॉमनली स्टैंडर्ड क्या है 12 वोल्ट का। अगर आपका 48 वोल्ट का बैटरी है तो 48 वोल्ट से अभी इंजन से जब अल्टरनेटर से सप्लाई जनरेट होता है तो 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज होता है ना, अभी इंजन तो है नहीं, अल्टरनेटर है नहीं, तो वो बैटरी कैसे चार्ज होगा, या आप बाकी लाइट्स कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए 48 वोल्ट के बैटरी, 60 वोल्ट का बैटरी, 72 वोल्ट का बैटरी, तो उस बैटरी से आपको वोल्टेज को ड्रॉप करके देन 12 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, तो वो डीसी डीसी कन्वर्टर, तो वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप करके डीसी टू डीसी करता है, इसलिए उसको डीसी डीसी कन्वर्टर कहा जाता है, सिर्फ वो वोल्टेज को 72 वोल्ट है या 60 वोल्ट है तो उससे ड्रॉप करके कम करके ले लेता है, क्लियर? अभी बचा बैटरी एंड चार्जर, अभी बैटरी क्या है, इसको क्या बोलते हैं सर, जो भी आपने बताया था, डीसी डीसी कन्वर्टर, अच्छा डीसी डीसी कन्वर्टर बोलते हैं सर, कन्वर्टर बोलते हैं, ओके ठीक है, वो ड्रॉप करता है, और अगर बढ़ाता तो इन्वर्टर बोलते हैं, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, घर में जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट का 220 वोल्ट करके देता है, ठीक है, या फिर उसको जो बढ़ाता है कम भी करता है तो बक बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं, वो बक भी करता है बूस्ट भी करता है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस में कहीं पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्रू आप वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, तो मार्केट में छोटे बक बूस्ट कन्वर्टर भी मिलते हैं कुछ रोबोटिक एप्लीकेशन में, या फिर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूज करते हैं उसको, क्लियर? ठीक है, अभी मेन पार्ट आ गया बैटरी, एंड बैटरी के साथ में बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या लगेगा, चार्जर, बैटरी के साथ में क्या लगेगा, चार्जर, चार्जर का काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज, ठीक है, अभी बैटरी जो है, बैटरी क्या है, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, या कौन सी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, एसी या डीसी, डीसी, एसी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, डीसी, डीसी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, तो डीसी सप्लाई को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बैटरी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करती है, एंड जब अगेन आपको डिस्चार्ज करनी है तो केमिकल एनर्जी का अगेन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन कर लेती है, तो बैटरी में दो टाइप के बैटरीज आती है, एक सिंगल यूज बैटरीज आती है एंड दूसरी रिचार्जेबल बैटरीज आती है, सिंगल यूज बैटरीज कहाँ पे यूज होती है, टॉर्च लाइट, रिमोट, टॉर्च लाइट में, घर में जो वॉल क्लॉक है उसमें, टॉयज में, अलग अलग एप्लीकेशन में सिंगल यूज बैटरीज यूज करते थे, अभी ज़्यादा रिचार्जेबल बैटरीज पॉपुलर हो चुकी है, पहले कैमराज में भी सिंगल यूज बैटरीज यूज करते थे,
अभी रिचार्जेबल बैटरीज में क्या होता है, आप अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकते हैं, मतलब सिंगल यूज बैटरी में केमिकल रिएक्शन होके जब तक केमिकल रिएक्शन चल रहा है तब तक वो बैटरी को आप यूज कर सकते हैं, रिएक्शन बंद हो गया बैटरी डेड हो गई। जो रिचार्जेबल बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी में आप अगेन एंड अगेन चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्लियर। अभी बैटरी में जो ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में या फिर बाहर भी, तो अभी ज्यादा लीड एसिड बैटरी ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा एप्लीकेशन में लीड एसिड बैटरीज यूज की जाती है, ठीक है। तो लीड एसिड बैटरीज को हम लोग इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बैटरी एक इम्पोर्टेंट, जैसे मोटर इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वैसे बैटरी भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम लोग जल्दबाजी में शॉर्टकट में नहीं समझेंगे, उसको इन डिटेल समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन के समय भी या फिर रेगुलर बिजनेस करते समय भी बैटरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, कौन सा बैटरी सिलेक्ट करना चाहिए, किसके क्या फीचर्स है, किसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सब इन डिटेल समझना जरूरी है, क्लियर। तो बैटरी को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अभी जो अभी तक जितने हमने टॉपिक्स ये किए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बार एडवांटेज ये है, हमें लोग कम है तो हर एक के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं जाता है, तो टॉपिक्स फास्टली कवर होते हैं, मतलब यहां तक आने के लिए 3 दिन लगता है, हम 2 दिन में पहुंच गए। तो कुछ टॉपिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 2 बार नहीं आते, कुछ समझ में आया पूरा तो भी नहीं आते, कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी नहीं आते। कंट्रोलर का थोड़ा जरा वापस बता सकते हैं? हाँ, कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर इज द कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या क्या कंट्रोल करना है उसको? एक तो पहला काम है उसको मोटर का पोजीशनिंग फाइंड आउट करके कौन सा फेज को ऑन करना है वो उसे बताना है, बराबर है। तो वो कंट्रोल कर लेता है 3 फेज में से कौन सा फेज ऑन होना चाहिए, तो वो हॉल सेंसर से फीडबैक लेता है पोजीशन का, स्टेटर का पोजीशन कौन सा है एंड फीडबैक लेके देन वो कंट्रोल करता है, ऑन कर देता है। दूसरा काम कंट्रोलर का क्या बचा? जो करंट सप्लाई हो रहा है मोटर का, जिस टाइप का वाइंडिंग है उतना ही करंट सप्लाई होना चाहिए, तो करंट को लिमिट करना मैक्स, क्योंकि मोटर के पास ब्रेन नहीं है ना, मोटर पे तो आप जितना लोड डालोगे वो डिमांड करते रहेगा, मोटर पे आप जितना लोड डालोगे तो वो डिमांड करते रहेगा, उसके पास ब्रेन नहीं है। जब ब्रेन नहीं है तो क्या होगा, कोई तो चाहिए कंट्रोल करने वाला, तो कंट्रोलर वो काम कर लेता है, मैक्सिमम जो मोटर का कैपेसिटी है उतना ही करंट को वो लिमिट कर लेता है। नेक्स्ट कंट्रोलर का क्या काम है? थ्रोटल थ्रू जो सिग्नल्स आ रहे उसके हिसाब से मोटर को स्पीड को कंट्रोल करना, देन जो ब्रेक थ्रू सिग्नल आ रहा है उसके हिसाब से पावर को कट अप करना, अगर लो लेवल ब्रेक है तो, हाई लेवल ब्रेक है तो उसको रीजनरेट करके ज्यादा ब्रेकिंग तैयार करना। देन कंट्रोलर में 2 टाइप के कंट्रोलर आते हैं, एक आता है साइन वेव कंट्रोलर, एक आता है स्क्वायर वेव कंट्रोलर। अगर स्क्वायर वेव रहेगा तो ऑब्वियसली उसका साउंड ज्यादा आएगा, आवाज ज्यादा आएगा मोटर का, स्मूथनेस कम रहेगा एंड इफिशियंसी भी कम रहेगा। साइन वेव जो कंट्रोलर आते हैं तो स्मूथनेस ज्यादा रहेगा, इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा एंड वो ज्यादा परफेक्टली वर्क करेगा। रीजनरेटिव कंट्रोलर होगा तो क्या करेगा, मोटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होके आ रहा है उसको बूस्ट करके बैटरी को देगा। अगर नॉर्मल कंट्रोलर है तो जितना मोटर जनरेट करना है कर रहा है उतना ही इक्वल वोल्टेज वो आउटपुट में देगा, क्लियर। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि फ्लाईओवर से जब हम स्कूटी को नीचे लेके जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है उसके समय, हाँ, क्या उस केस में वो रीजनरेटिव कंट्रोलर काम करेगा? जैसे आपने एक्सेलरेशन दिया, मोमेंटम आया हुआ है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आप ब्रेक
मार्केट स्पीड को कम करते हो, तो रीजनरेशन में जैसे आपने थ्रोटल जीरो किया तो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, आप उस केस में रीजनरेशन होता है। डाउन हिल जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन करते हो, राइट? या फिर जैसे अभी हाइब्रिड कन्वर्जन किट है, रेट्रोफिट कन्वर्जन किट है, जब आप इंजिन पे चलाते हो मोटर को तो उसमें क्या होता है, इंजिन से मोटर घूम रही है तो वो पावर जनरेट करके आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है? तो मोटर जनरेटर का भी काम करती है। उसे तो एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोल के ऊपर मेंशन होता है कि ये साइन वेव कंट्रोलर है, स्क्वायर कंट्रोलर है, ये रीजनरेटिव कंट्रोलर है। हाँ, उस पे मेंशन होता है, लेकिन जनरली इंडिया में जो एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो ज्यादातर कंट्रोलर स्क्वायर वेव कंट्रोलर ही लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक तो उस लेवल का नॉलेज चाहिए कि क्या ये होता क्या है। जनरली इंडिया में इतना ही नॉलेज ज्यादा है कि कौन सस्ते में देता है और किसके पास सस्ते में मिलता है। जैसे हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जैसे रीजनरेटिव कंट्रोलर लगा हुआ है और हमने अपने स्कूटी को मतलब ऐसे जस्ट एयरलिफ्ट कर लिया और उसके टायर को हम जैसे मैनुअली अगर घुमाते हैं तो क्या उसका उस केस में बैटरी जो है चार्ज होगा सर? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? हेलो, यस सर। पीएसएम के एडवांटेज क्या है? किसके? पीएसएम। पीएसएम, हाँ, परमानेंट। पीएमएसएम मोटर बोल रहे हैं ना? हाँ, पीएमएस। हाँ, बरोबर, पीएमएस, सॉरी, पीएमएसएम या पीएमडीसी? पीएमडीसी, पीएमएस, पीएमएस। हाँ, पीएमएसएम में कॉम्पैक्ट हो जाता है, हाई टॉर्क मिलता है, इफिशियंसी अच्छा मिलता है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। जैसे बीएलडीसी था, बीएलडीसी में ब्रश था, यहाँ पे ब्रश हट गया। जैसे बीएलडीसी में आउटर पे आपका रोटर पे मैग्नेट्स आ जाता है, वैसे पीएमएसएम में भी मोटर पे रोटर पे मैग्नेट्स आता है, लेकिन वाइंडिंग मेथड अलग आता है, कंट्रोलिंग मेथड अलग आता है, ठीक है? तो उसमें दोनों बीएलडीसी एंड सिंक्रोनस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके वो मोटर बनाया जाता है। तो बीएलडीसी का भी एडवांटेज आ गया एंड सिंक्रोनस का भी एडवांटेज आ गया, लेकिन बीएलडीसी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि प्राइस वाइज कम बैठता है एज कम्पेयर टू पीएमएसएम। इजीली अवेलेबल है, इजी कंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस नहीं होता है, एंड अप टू 10-12 किलोवाट पावर तक बीएलडीसी ज्यादा पॉपुलर। थैंक यू। बाकी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, छोटे फोर व्हीलर के एप्लीकेशन में बीएलडीसी मोस्ट सुटेबल है क्योंकि उसको यूज करना इजी है, ठीक है? पीएमएसएम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हाई पावर एप्लीकेशन में ज्यादा पीएमएसएम प्रेफर करते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। ये सर, मेरे पास ना हीरो फ्लैश स्कूटी है। हाँ, मैंने इसको पूरा ओपन करा लिया था एक अपना स्टाफ का बंदा लेके। हाँ, तो इसके अंदर सर मैंने पाया कि एक एमसीबी लगा हुआ था। हाँ, तो सर उसका क्या फंक्शन होता है इसके लिए? वो सर्किट ब्रेकर है। ओके, इन विच केस सर? बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो मेन लाइन पे वो सर्किट ब्रेकर लगा होता है ताकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवर करंट डिमांड हो गई तो वो ट्रिप कर लेता है। जैसे घर में भी एमसीबी लगाते हैं, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवरलोड हो गया तो वो ट्रिप हो जाता है। ओके ओके ओके, सेम फंक्शन उसका वहां पे भी। राइट सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी बीएलडीसी मोटर का और एक एडवांटेज होता है कि जैसे इंडक्शन मोटर रोटेट होने के बाद में आप उस पर लोड डाल सकते हो, मतलब वो लोड लेके पूरा लोड लेके स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन बीएलडीसी मोटर की ये खासियत है, जब तक आपको रिक्वायर्ड टॉर्क जनरेट नहीं होता है वो उसका फर्स्ट आरपीएम स्टार्ट ही नहीं होता है। मतलब बीएलडीसी मोटर आपको फर्स्ट आरपीएम से हाईएस्ट टॉर्क देता है और इसकी वजह से जैसे इंजन में, गाड़ी में आपने देखा होगा, इंजन, इंजन के बाद क्लच बॉक्स, गियर बॉक्स एंड देन
गियर में भी हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल को जब स्टार्ट करना है तो फर्स्ट गियर में स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिडक्शन रेशियो लेके टॉर्क को मल्टीप्लाई कर किया जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्क लगता है। क्लियर? लेकिन बीएलडीसी मोटर में क्या होता है, जब तक उतना टॉर्क जनरेट नहीं होता है वो उसका फर्स्ट आरपीएम स्टार्ट ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि बीएलडीसी मोटर जब यूज करेंगे तो आपको गियर बॉक्स की जरूरत नहीं है, गियर बॉक्स का काम इटसेल्फ बीएलडीसी मोटर ही कर लेता है, और जैसे जैसे लोड रिलीज होगा तो उसका आरपीएम बढ़ते जाएगा, मतलब आरपीएम को वेरी करके मोटर इटसेल्फ गियर बॉक्स जैसा काम कर लेती है। इसीलिए बीएलडीसी मोटर्स आप डायरेक्टली व्हील के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सर जैसे कि अगर हम टू व्हीलर्स में बाइक की बात करते हैं, जो बाइक्स चैलेंज कर रहे हैं कि जिनकी स्पीड 100 या 120 तक का किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो मोटर का एप्लीकेशन सर उसमें बीएलडीसी रहेगा या फिर ये पीएमडीसी जो इसका नेक्स्ट वो रहेगा क्या सर? अभी सब में बीएलडीसी यूज हो रहा है, सिर्फ जो इलेक्ट्रिक कार्स है बसेस है उसमें पीएमएसएम यूज हो रहा है। तो सर उस केस में फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा सर बैटरी का, जैसे कि स्कूटीज में 48 वोल्ट आ रहा है तो उनमें क्या साइकिल्स में 72 जनरली यूज करते हैं, 72 जनरली, हां 72 होता है, 96 भी होता है। ओके 96 भी होता है। ओके अच्छा सर, ये इसका कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे कि जैसे 48 वोल्ट का बैटरी है और उसको जैसे जनरली बोला जाता है कि लिथियम आयन बैटरी है और 4 आवर में ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगी, तो अब हमें इसका यूनिट कैलकुलेशन निकालना है कि कितना यूनिट लेगी 4 आवर में, तो उसके लिए सर कैसे करेंगे 48 वोल्ट का बैटरी? हम लोग जब बैटरी को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे ना वो सब उस टॉपिक में, राइट सर, क्योंकि बैटरी का कल अंडरस्टैंड करके फिर सभी कैलकुलेशन, मतलब ओवरऑल व्हीकल के लिए कितना पावर का मोटर लगेगा, टॉर्क कैसे निकालना है, देन उसका आरपीएम कैसे कैलकुलेट करना है, कितना स्पीड आएगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब कैलकुलेशन फॉर्मूलाज फिर हम लोग कल देखेंगे। बैटरी खत्म होके फिर सिक्वेंसली अभी टेक्निकल पार्ट खत्म कर देते हैं, देन अगेन हम लोग बिजनेस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है। अच्छा जो आप हमें अभी जो बता रहे हैं जैसे कितने आरपीएम क्या क्या जो ये वोल्ट जैसे हो गया वाट वगैरह, तो उसका जो टोटल लीफलेट वगैरह बना के टोटल, मतलब अगर हमको बाद में मिल जाता तो डायरेक्ट परमानेंटली दिमाग में लिख लेने का, तो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि होमवर्क कोई करता नहीं है और लिफलेट जितने जमा कर लेते हैं उतने बाद दोबारा कोई देखता नहीं है। हाँ, फॉर्मूलाज आपको लिख के दे दूंगा, जैसे अभी आज आपने वोल्ट का फॉर्मूला जो बोल रहा हूं मैं, जो कैलकुलेशन है वो आप लिख लीजिए, लेकिन नोट्स अगर दिया ना तो नोट्स का कोई ये नहीं होता है, मतलब वो कम आप, मतलब वो एक बार आदत लग गई ना, देखो जो भी काम करना है ना वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन होना चाहिए, आप टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नहीं प्रेजेंटेशन रहेगा तो और अच्छा होगा, लेकिन विदाउट प्रेजेंटेशन भी अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए वो सबसे अच्छा होगा। वो तो ठीक है, पर जो फॉर्मूला वगैरह नहीं किया जो कैलकुलेशन के लिए, हाँ वो सब फॉर्मूलाज लिखे थे। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा था कि जैसे कि मेरे पास ओल्ड बाइक है स्प्लेंडर, तो मैं उसमें अगर एक कन्वर्जन किट लगाता हूँ Then, उस केस में उसमें सर जैसे कि उसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन तो खैर रहेगा ही नहीं उसके अंदर की पॉल्यूशन उसका कराना है, लेकिन उसका इंश्योरेंस कोई उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो किट जब आप लगाते हो तो इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है ना, जैसे अभी सीएनजी किट आप फिट करते हो ओके इंश्योरेंस तो आता ही है ना, उसमें सिर्फ मेंशन होता है कि ये सीएनजी फिटेड है, तो उसके लिए सर हमें मतलब वहां पे अपडेट कराना होगा इंश्योरेंस में कि इसको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर दिया है। जब आपका कन्वर्जन किट आप लगाते हो, अभी आरटीओ अप्रूवल आ जाएगा ये महीने में, तो जैसे खत्म होता है तो आपका जो ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर रहेगा वहां पे आप कन्वर्ट करते हो तो आरटीओ में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ओके एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो फिर आप ऑफिशियली यूज करें ना उसको। अच्छा सर एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि बाइक के लिए हमने कन्वर्जन किट लिया तो जो आपने अप्रूवल लिया है उसमें स्पीड कितनी आएगी बाइक की? 70-80 तक किया 70-80 तक जाएगी,
तो उस केस में सर ये जो भी जैसे स्कूटी के अंदर होता है कि कोई हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सब आ जाएगा, वो सिक्वेंसली आ जाएगा सर। अभी कैलकुलेशन जब हम आएंगे ना, तो वो टाइम पे पूरा आरटीओ प्रोसेसेस, होमोलोगेशन प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, क्या है, राइट। वो एक्चुअली आज का टॉपिक रहता है, लेकिन अभी टेक्निकल भूख ज्यादा थी तो मैं बोला चलो आज टेक्निकल। पहले टेक्निकल को खत्म करते हैं, फिर बिजनेस को एडॉप्ट करते हैं। राइट सर। सर इसमें बारिश पानी का कुछ असर होता है? नहीं होता है, व्हीकल ग्रेड में बनाया जाता है। IP67 होता है, 65 होता है। 65 में क्या होता है, आपका पानी में यूज, मतलब पानी से गुजर सकते हैं, प्रेशर से वॉश कर सकते हैं, बारिश में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी में डूब के रहेगा ज्यादा टाइम तो अंदर पानी जा सकता है। जब फ्लडिंग आएगा तब प्रॉब्लम होगा। फ्लडिंग में तो नॉर्मल व्हीकल में भी प्रॉब्लम आता है। हम लोग उसको ओपन करते हैं, ड्राई करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, रबर पार्ट चेंज करते हैं, फिर से ऑन करते हैं। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पानी में चला जाता है तो आप स्विच ऑन मत कीजिए, मोटर को ओपन कीजिए, सूखने दीजिए, सूख गया फिर से असेंबल करके चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल पानी में गिरा तो क्या करते हैं, बंद ही रखते, ऑन नहीं करते, सुखाते है, सूखने के बाद ऑन हो जाते। इलेक्ट्रिसिटी आप गीला है ऑन करोगे तो फिर जल जाएगा। और कोई क्वेश्चन? एक सर, आपने एक अलवर के अंदर आप बता रहे थे कि आपने एक अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर खुल गया है। तो अलवर सर, इट्स नियर टू मी, इट्स अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम मी। तो मैं एक बार सर वहां पे विजिट करना चाहता हूँ, तो क्या उनके कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह मिल सकते हैं सर? हाँ, मिल जाएगा। ओके। लेकिन अभी राजस्थान में भी लॉकडाउन ही है ना? हाँ, लॉकडाउन है सर। एट वन जीरो फोर 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 नाइन 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 फोर सिक्स वन फोर सिक्स वन वन। गुड नेम सर? अभय सिंह सर। अभय, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? क्लियर सबको? कुछ आते भी है क्वेश्चन तो लिख के रखिए, फिर कल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग बैटरी को खत्म करेंगे, देन कैलकुलेशंस पे आएंगे, क्योंकि बैटरी खत्म होने के बाद ही कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो पहले बैटरी को ले लेंगे एंड देन एप्लीकेशन, आरटीओ रूल्स, कैलकुलेशंस एंड देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम बात करें। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। गुड नाइट सर। 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 ठीक है, चलो मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।